नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीना 2019 में कब से शुरू होकर कब समाप्त हो रहा है। और गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महीने भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस महीने वो आराम करते हैं और अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो भगवान शंकर को दे देते हैं। और भगवान शंकर इस महीने पूरी सृष्टि का निर्वहन करते हैं और इस महीने लोग कांवड़ भी लेने जाते हैं, 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं और बहुत से त्यौहार। ये महीना जो है त्यौहारों का राजा भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाने वाली थी, तो इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस महीने भगवान विष्णु जब शयन पे चले जाते हैं तो भगवान शंकर के रौद्र स्वरूप जो होता है वो पूरी सृष्टि का संचालन करता है। इसलिए इस महीने में बहुत से लोग पूरा सावन उपवास करते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं कि सावन के सोमवार व्रत करते हैं। और इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के व्रत को माता गौरी को समर्पित होता है। इसे मंगला गौरी का व्रत भी कहा जाता है। तो गाइस, चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कांवड़ लेने आने वाले कांवड़। और जैसा कि पूर्वी उत्तर भारत में हर सोमवार को कांवड़ लेने जाया जाता है, तो यहाँ हर सोमवार को कांवड़ लेने जाते हैं। और तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कब से है ये। 17 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त को इसकी समाप्ति है और 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी पड़ रहा है। तो गाइज, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।